हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके जो चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है आपका अ लेटर टू गॉड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 8 नंबर का इस चैप्टर से, इकलौते चैप्टर से आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पैसेज होते हैं ना, जो आपके एनसीईआरटी पैसेज होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट पैसेज लिए हैं, ठीक है। आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा इन द नॉर्थ करके बिगिन टू फॉल तक होगा, ठीक है। तो उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2010 में आया था और कई बार पूछा गया था, लेकिन मैंने एक लिख दिया है। कह रहे व्हाट डिड द मैन सी इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पे उस आदमी ने क्या देखा। ही सॉ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उसने देखा बहुत बड़े बादल हैं, बादलों के माउंटेन्स मतलब क्या होता है, पर्वत। अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, अप्रोचिंग मतलब आ रहे हैं पास के, अपने पास के, ठीक है, आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से। हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिज प्लेजर, उसने अपने प्लेजर मतलब होता है कुछ अच्छी चीज़ का अनुभव, ठीक है। एक्सप्रेस मतलब क्या होना, एक्सप्रेस का मतलब होता है बांटना, मतलब उस चीज़ को एक्सप्रेस करना। ही वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो बाहर निकला था, ठीक है, जो बरसात की जो बूंद अपने शरीर पे गिरती है उस चीज़ का आनंद लेने के लिए वो गया, बाहर निकला था। व्हेन डिड हिज प्लेजर टर्न इनटू वरी, कब उसका जो प्लेजर है वो वरी, यानी कि जो वरी का मतलब होता है दुख या फिर मतलब चिंता, चिंता में बदल गया, ठीक है। जब उसका जो प्लेजर है, जो सुख का अनुभव है, वो दुख के अनुभव में कैसे बदल गया। हिज प्लेजर टर्न इनटू वरी When suddenly मतलब अचानक a strong wind मतलब बहुत ही तेज हवा began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall। अब तेज हवा के साथ बहुत ज़्यादा हवा हो रही थी, बहुत तेज बरसात के साथ ऊपर से क्या है, ओले गिरने लग गए थे। हेलस्टॉम का मतलब होता है ओले, ठीक है। Which words used to describe the raindrops falling from the sky, देखो the raindrops are described as a new coin 10 cent pieces and 5 cent pieces, ठीक है। Find the passage a word which means coming nearer, coming nearer का passage में एक word मैंने अभी बताया था approaching, approaching का मतलब होता है पास में आना। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, एग्जाम में लिखा होता है कि इसका अर्थ बताओ, है ना, तो कई बच्चे इसका अर्थ हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में नहीं लिख रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखना है। जैसे कमिंग नियरर है ना, तो इससे मिलता जुलता वर्ड्स है अप्रोचिंग, ठीक है, अप्रोचिंग का मतलब कमिंग नियर, अपने पास आना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा पैसेज मैंने लिया है ये 2014 में पूछा गया था, बट इन द हर्ट्स से होगा हाउ टू राइट, ठीक है, यहाँ तक चल रहा होगा आपके एनसीईआरटी में होगा, पढ़ लेना। वेयर वॉज देयर हाउस सिचुएटेड, बेटा क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे आराम से। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप पूरे चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उसका जो स्टोरी है वो अच्छे से समझो। स्टोरी अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन पढ़ के आप अपने आंसर को अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ये मेन चीज़ होती है, ठीक है। और हमेशा इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो लिख लिख के याद किया करना। वेयर वॉज देयर हाउस सिचुएटेड, इट वॉज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द वैली, ठीक है, वैली के बीचों बीच में स्थित था। व्हाट वॉज देयर फेथ, उनका विश्वास क्या था, ठीक है, देयर फेथ वॉज दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, उनका विश्वास ये था कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। व्हाट वॉज लेंचो प्रॉब्लम, लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी, ही नीडेड मनी टू हैव द सीड्स फॉर हिज नेक्स्ट क्रॉप, उसको पैसों की जरूरत थी, सीड्स मतलब बीज, ठीक है, क्रॉप मतलब फसल, उसको अपने नए फसल लगाने के लिए, नए फसल के लिए बीज की ज़रूरत थी और बीज खरीदने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, ये इसका आंसर है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन बट ही न्यू वन मोर थिंग, व्हाट वॉज इट, ही न्यू हाउ टू राइट, देखो लेंचो कुछ खास तो नहीं था उसमें, लेकिन वो जानता था कि लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो लिखना उसको आता था, तो उसी लिए उसने एक लेटर लिखा था भगवान को। राइट द नाउन
फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा? इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डज ही एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बड़े नंबर पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर, लेंचो एक बहुत गरीब किसान था, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही मेहनती था। वंस देयर इज़ अ हेल स्टॉर्म, एक बार क्या होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज तूफान आ जाता है, इट डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप कम्प्लीटली, और वो जो तूफान आया था ना उसने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। लेंचो हैज़ ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो का अटूट विश्वास था भगवान पर। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम मनी, उसने भगवान को बोला मुझे कुछ पैसे भेज दो। द पोस्ट मास्टर सीज दिस लेटर, और उस लेटर को ना पोस्ट मास्टर ने देख लिया। ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो, और उस पोस्ट मास्टर ने सोचा कि मैं इस किसान की मदद करूँगा। देखो बेटा वो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, है ना, मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे होते हैं, बट उसने भगवान पे उसकी अटूट आस्था को देखकर, कहीं उसकी आस्था टूट ना जाए, तो उसने सोचा कि मैं इस किसान की कुछ ना कुछ मदद करूँगा, ठीक है। ही कलेक्ट सम मनी, उसने कुछ पैसे कलेक्ट किए। ही पुट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा, ही पुट्स इन साइड एन एनवलप, उसने एक एनवलप है ना पत्री पत्र जो होता है जिसमें एनवलप तो समझ ही रहे हो ना, उसके अंदर डाला। लेंचो ओपन्स द एनवलप, लेंचो ने उस एनवलप्स को खोला। लेंचो कम्स टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल, ठीक है। लेंचो पोस्ट ऑफिस आया, उसने अपने मेल को चेक किया, मतलब जिसमें के अंदर पत्र आता है। द पोस्ट ऑफिस पीपल गिव हिम द एनवलप, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं उन्होंने उसको वो एनवलप दे दिया। ही टेक्स आउट द मनी एंड काउंट्स इट, उसने उस मनी को उस पैसे को ले लिया और उसे वो गिनना शुरू कर देता है। ही फाइंड दैट इट इज़ लेस देन ही हैड आस्क, और वो देखता है कि उसे उतने पैसे नहीं मिले जितने उसे भगवान से मांगे थे, कम मिले। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, फिर वो घर आके और एक पत्र लिख देता है भगवान को। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, और वो भगवान से पूछता है कि बाकी के पैसे आप कब भेजोगे। बट ही वॉन्ट्स हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, बट वो चाहता है कि अब की बार पैसे मेल में ना भेजा जाए, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजा जाए। ही सेज दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल आर बंच ऑफ कुक्स, ठीक है। वो बोलते हैं जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं ना, वो सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब उसने सोचा कि भगवान तो कभी कम पैसे भेजेगा नहीं, जितना मांगा उतना ही भेजेगा। जब उतने पैसे मांगे उसने और उसमें कम पैसे मिले, तो उसको लगा कि यहाँ के पोस्ट ऑफिस लोगों ने उसके पैसे खा लिए, ठीक है, उसके पैसे रख लिए। तो उसने पूछा अब की बार मुझे खुद आप डायरेक्टली भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। अगला क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, जो लेंचो है ना उसके चरित्र के बारे में बताना है, ठीक है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वॉज सिंपल फेलो, वो बहुत ही साधारण इंसान था। ही हैड डीप फेथ इन गॉड, उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। ऑल हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाई अ हेलस्टॉर्म, उसकी सारी फसल खराब हो गई थी तूफान के कारण। बट ही वॉज सर्टेन गॉड वुड हेल्प हिम, उसे पता था कि उसकी मदद भगवान ज़रूर करेगा। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, तो उसने एक भगवान को पत्र लिखा। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 pesos, उसने भगवान को बोला भगवान जी मुझे 100 pesos भेज दीजिए। पैसे जहाँ यहाँ पर रुपए चलते हैं ना वहाँ पर पैसोज होता है। ही वॉज एंग्री वैन ही गॉट ओनली 70 pesos, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया जब उसने 100 pesos मांगे थे और उसको 70 pesos ही मिले थे। भाई 70 pesos भी किसने दिए थे? पोस्ट मास्टर ने दिए थे, पोस्ट मास्टर तो रिच होते नहीं है, उसने भी अपने जेब से निकाल के दिए थे। ही वॉज सर्टेन दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन आउट ऑफ द मनी, उसे पूरा विश्वास था कि जो 30 pesos कम मिले हैं ना वो पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए हैं। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रुक्स, और वो उनको बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। वी लाफ टू सी हाउ सिंपल लेंचो इज, और हम इस चीज़ को देख के कितना हंसते हैं मनी मन कि लेंचो कितना सिंपल इंसान है, कितना साधारण इंसान है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑफ मैन, कमेंट। ठीक है, लेंचो को बहुत ही ज़्यादा विश्वास था भगवान पर इंसानों पर डाउट करता था। ठीक है, इस पर आपको आपकी टिप्पणी क्या है वो आपको देनी है। देयर कैन बी नो डाउट्स दैट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लेंचो का अटूट विश्वास था भगवान जी पर। ही हैड नथिंग टू लिव ऑन व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म। ठीक है, उसको ज़्यादा चिंता तो ही नहीं थी उसके जब पूरे फसल नष्ट हो गए थे, उसे पता था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा। ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, दैट वॉज वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तभी उसने भगवान जी को पत्र लिखा आस्किंग फॉर 100 pesos, और उसने बोला भगवान जी मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। एंड ही डिड गेट द मनी सून, और उसको जो पैसा है वो जल्द मिल जाएगा। बट इट टर्नड आउट टू बी 70 pesos, बट उसको 70 pesos ही मिलते हैं, नॉट 100, 100 नहीं मिलते हैं। लेंचो वॉज सर्टेन दैट गॉड कुड नेवर हैव मेड अ मिस्टेक, उसे पता था लेंचो को कि भगवान कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। ओनली द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्विंडल द मनी। ठीक है, और ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस वाले जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वही कर सकते हैं, बाकी के पैसे उन्होंने ही इधर उधर किए होंगे। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, और वो उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है। एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड, और फिर वो भगवान को और एक पत्र लिख देता है। दिस स्टोरी क्लियरली शोज दैट द लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट मैन। ठीक है, बट ये इंसिडेंट ये शो करता है कि लेंचो का अटूट विश्वास भगवान पर तो था, परंतु इंसानों पर डाउट करता था वो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डू यू फील सिंपथी विद लेंचो, क्या आपको सिंपथी मतलब होता है ना दया, है ना, दया की भावना। डू यू फील सिंपथी विद लेंचो, डिस्क्राइब हिज सिंप्लिसिटी, उसकी सिंप्लिसिटी को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इनोसेंस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड, क्या आप पर आपको लेंचो पर सिंपथी यानी कि दया का भाव था, और लेंचो की जो साधुलता है ना, जो साधारणता उसके चरित्र में है, उसके का वर्णन करना है अपने शब्दों में। ठीक है, इनोसेंस, यस, सिंपथी तो होती है लेंचो पर। आई डू फील सिंपथी फॉर लेंचो। ठीक है, द पुअर फार्मर हैड टू फेस रूइन बिकॉज ऑफ ए क्लाइमेटी, इसका मतलब है जो गरीब किसान है उसको देखना पड़ता है रूइन बिकॉज ऑफ ए क्लाइमेटी। क्लाइमेटी का मतलब होता है जो परिवर्तन होते हैं ना, जैसे अभी अभी देखो दिन है, क्या पता थोड़ी देर बरसात हो जाए, तो ये जो चेंजेस हो रहे थे उसके कारण ही उसके फसल नष्ट हो गई थी। वन ईयर ऑल हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, एक साल ऐसा हो रहा है कि उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। ड्यू टू मतलब कारण, किस कारण, हैवी रेनफॉल के कारण, बहुत ही भारी बरसात के कारण। एंड हेलस्टॉर्म मतलब तूफान के कारण। नाउ ही हैड नथिंग टू लिव ऑन, और उसके पास अब कुछ भी नहीं है खाने के लिए, जीने के लिए। बट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, परंतु लेंचो का बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान पर। ही वॉज सर्टेन गॉड वुड हेल्प हिम, वो बहुत ही निश्चिंत था कि भगवान उसकी मदद तो ज़रूर करेंगे। सो ही रोट द लेटर टू गॉड, तो फिर उसने एक पत्र लिखा भगवान जी को। एंड आस्क हिम टू सेंड हिम 100 pesos, और उसको 100 rupees भेजने को बोला। बट ही गॉट एंग्री व्हेन ही रिसीव ओनली 70 pesos बाई मेल, और जब उसको मेल के द्वारा 70 pesos मिले तो वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो गया, क्योंकि 30 pesos उसके अंदर कम थे। ही वॉज सर्टेन दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन आउट द मनी, उसको पूरा विश्वास था कि बाकी 30 pesos पोस्ट ऑफिस के लोगों ने रख लिए होंगे। ठीक है, ही कॉल्ड देम अ ब्रंच ऑफ क्रूक्स, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी बट नॉट बाई मेल, वो पोस्ट ऑफिस के सभी लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है, और वो एक पत्र और लिख देता भगवान जी को कि बाकी पैसे भेजने के लिए, लेकिन अब की बार मेल में ना भेजे। हाउ इनोसेंट एंड सिंपल लेंचो वाज। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि लेंचो कितना सिंपल और साधारण इंसान है। तो आशा करता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको पसंद ज़रूर आए, और ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, इस तरीके से मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा।